हमारी अमेजिंग आंखें इस खूबसूरत दुनिया को देखने में हमारी मदद करती हैं। लेकिन आओ आज देखते हैं कि हमारी आंखें कैसे दिखती हैं अंदर से, उसके पार्ट्स क्या क्या हैं और उनके फंक्शंस क्या क्या हैं। तो अगर मैं इस चेहरे को छुपा दूं तो तुम्हें आंख कुछ ऐसी दिखने वाली है, एक बॉल के शेप में, और इसे हम बुलाते हैं आई बॉल। अब अगर इसे मैं साइड से देखूं तो मुझे कुछ ऐसा दिखने वाला है आंख। हाँ, ये हो गया बॉल वाला पार्ट, ये हो गया कलर्ड वाला पार्ट, और इसके ऊपर आंख ये थोड़ी उभरी होती है बाहर के साइड में, थोड़ी कॉन्वेक्स शेप की होती है। अब मैंने इसे थोड़ा ट्रांसपेरेंट कर दिया है ताकि हमें इसके अंदर की चीजें दिख सकें। अब हम बात करते हैं इस कलर्ड वाले पोर्शन के बारे में। तो इसे हम बुलाते हैं आयरिस। तो जब भी तुम किसी की आंख के कलर के बारे में बात कर रहे हो ना, तो असल में तुम उसके आयरिस के कलर के बारे में बात कर रहे हो। अब अलग अलग लोगों की आयरिस की कलर अलग अलग होती है। अब ऐसा क्यों होता है यार? तो देखो, जब भी हमारी आंखों पर लाइट पड़ रही होती है, व्हाइट लाइट, तो ये जो आयरिस है ना, इसके अंदर एक पिगमेंट होता है जो कि लाइट की एक पर्टिकुलर कलर को रिफ्लेक्ट करता है। अब इस आयरिस का पिगमेंट ये ग्रीन कलर की लाइट को रिफ्लेक्ट करने वाला है, और इसलिए हमें ये आयरिस ये ग्रीन कलर की दिखती है। अब अलग अलग लोगों की आयरिस में जो पिगमेंट होता है ना, वो अलग अलग कलर की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। जैसे कि यहाँ देखो, मेरे दोस्त की आयरिस ये ब्राउन कलर की है, और ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी आयरिस का पिगमेंट ये ब्राउन कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है, और इसलिए हमें ये ब्राउन कलर की दिख रही है। अब इस आयरिस के बीच में तुम्हें एक ब्लैक कलर का स्पॉट दिख रहा होगा। अब सभी की आंखों में ये स्पॉट ये कॉमन होता है, तो इसे हम बुलाते हैं प्यूपिल। अब उसे लिख लेते हैं, और ये एक छेद है, ये एक होल है जिसके थ्रू लाइट एंटर कर सकती है हमारी आंखों के अंदर। देखो, जो भी लाइट रेस आयरिस पे पड़ रही थी ना, वो या तो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी या तो अब्सॉर्ब हो जाएंगी, लेकिन जो लाइट रेस इस ब्लैक स्पॉट पे, इस छेद पे पड़ेंगी ना, वो अंदर चली जाएंगी कुछ ऐसे, और फिर ये अंदर जाके हमारी आंखों के अंदर इमेज बनाने वाली है बाहर की चीज़ों की, और इसी की मदद से हम बाहर की चीज़ों को देख पाते हैं। अब देखो, आयरिस का एक और इंपॉर्टेंट काम है कि वो इस छेद की साइज को कंट्रोल करता है, इस प्यूपल की साइज को कंट्रोल करता है। देखो, जब बाहर दिन का टाइम हो रहा हो, दोपहर का टाइम मान लो, तो बहुत रोशनी होने वाली है, तो उस टाइम बहुत ही लाइट रेस तुम्हारी आंखों के ऊपर पड़ने वाले हैं। अब अगर बहुत सारी लाइट रेस तुम्हारी आंखों के अंदर एंटर कर गए तो वो आंखों के सेल्स को बर्न कर सकते हैं, उन्हें डैमेज पहुंचा सकते हैं। तो इसे बचाने के लिए आयरिस दिन के टाइम ये प्यूपल को छोटा कर देता है कुछ ऐसे, ताकि कम लाइट रेस हमारी आंखों के अंदर जाएं और फिर भी हम अच्छे से देख पाएं बाहर की चीज़ों को। लेकिन शाम के समय जब बाहर की रोशनी बहुत ही कम हो, तब तो हमें ज़्यादा रोशनी चाहिए होती है बाहर की चीज़ों को देखने के लिए, तो उस टाइम आयरिस इस छेद को, इस प्यूपल को बड़ा कर देता है कुछ ऐसे, ताकि अब ज़्यादा लाइट रेस हमारी आंखों के अंदर जाएं और हम बाहर की चीज़ों को क्लियरली देख पाएं। तो यानी कि हमारी आयरिस ये खिड़की पे लगे हुए पर्दे की तरह काम करती है। जब बाहर दोपहर का समय हो तो तुम पर्दे को ऑलमोस्ट पूरा क्लोज कर देते हो ताकि बहुत ही कम लाइट रेस अंदर आ पाए, और जब शाम का समय हो तो तुम पर्दे को ऑलमोस्ट पूरा खोल देते हो ताकि ज़्यादा रोशनी अंदर आ पाए और तुम चीज़ों को देख पाओ। अब देखो, यही एक्सपेरिमेंट तुम खुद घर पे भी कर सकते हो। एक डार्क रूम में जाना और फिर शीशे के सामने खड़े होकर अपने प्यूपल को देखना। देखो, इस समय तुम्हारी प्यूपल ये बहुत ही बड़ी होगी, लेकिन जैसे ही तुम लाइट को ऑन करोगे ना, तो वैसे ही तुम्हारी प्यूपल ये छोटी होती चली जाएगी। अब आओ बात करते हैं आई के कुछ और पार्ट्स के बारे में। उसके लिए मैं इस आयरिस को यहाँ पे छुपा देता हूँ। मैंने यहाँ पे आयरिस का क्रॉस सेक्शन बना दिया है। ये ग्रीन वाला पार्ट, ये हो गया आयरिस, और ये बीच में जो होल है, ये हो गया प्यूपिल। लाइट इसके थ्रू एंटर करेगी और फिर ये मिलने वाली है इस कॉन्वेक्स शेप के लेंस से। ये हो गया हमारी आंखों का लेंस, आई लेंस। देखो, इसका काम है कि इनकमिंग लाइट रेस को फोकस कर देता है इस पीछे वाली सरफेस पे, और फिर यहाँ पे एक क्लियर इमेज बन जाती है। अब देखो, ये जो ये बल्ज्ड पोर्शन है, उभरा हुआ पोर्शन, इसे हम बुलाते हैं कॉर्निया। लाइट रेस जब हमारी आंखों पे पड़ती हैं तो सबसे पहले ये कॉर्निया से ही मिलती हैं, उसके बाद ही अंदर जाती हैं। अब देखो, कॉर्निया और लेंस के बीच का पोर्शन ये भरा हुआ होता है वाटर से। वैसे 99.9% वाटर होता है, 0.1% कुछ विटामिन और प्रोटीन्स वगैरह होते हैं, और इस पोर्शन को हम बुलाते हैं एक्वस ह्यूमर। एक्वस का मतलब हो गया वाटरी, क्योंकि ये मैक्सिमम वाटर कहीं तो बना हुआ है। अब देखो, कॉर्निया और ये लेंस, ये दोनों ही कॉन्वेक्स शेप की हैं, तो ये दोनों मिलके हमारी आंखों की कन्वर्जिंग लेंस सिस्टम बनाती हैं। ये दोनों मिलके इनकमिंग रेस को कन्वर्ज करती हैं ताकि कि एक शार्प इमेज हमें इस पीछे वाले सर्फेस पे मिल जाए। अब देखो, मैक्सिमम रिफ्रैक्शन ये कॉर्निया पे ही होता है, क्योंकि जो लाइट रेस एंटर कर रही है ना, वो एयर से आ रही है और फिर कॉर्निया के बाद में वाटर का सिस्टम, तो यानी कि यहाँ पे मैक्सिमम चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, और इसलिए लाइट की मैक्सिमम बेंडिंग ये कॉर्निया के ऊपर ही होती है। उसके बाद लाइट रेस प्यूपल के थ्रू लेंस पे हिट करती हैं। अब लेंस जो है ना, ये हल्का एडजस्टमेंट प्रोवाइड करता है इन लाइट रेस को, ताकि ये लाइट रेस कंप्लीटली फोकस हो जाए इस पीछे वाले सरफेस के ऊपर ही, और यहीं पे एक फोकस्ड इमेज हमें मिले। अब देखो, इस पीछे वाले सरफेस को
इसे हम बुलाते हैं रेटिना। अब अगर इस रेटिना के ऊपर हमें एक फोकस इमेज मिले ना, तो हम उसे क्लियरली देख पाएंगे, उसे क्लियरली रीड कर पाएंगे। लेकिन अगर एक फोकस इमेज नहीं मिल रही है तो हमें बाहर की चीज़ें धुंधली नजर आने वाली हैं। तो यानी कि रेटिना ये एक स्क्रीन की तरह काम करता है, एक पर्दे की तरह, जिस पे कि इमेज बन सके। अब देखो, तुम ये सोच रहे होगे कि अगर इस पे इमेज बन जाए तो हम इसे कैसे देख पाते हैं। तो ऐसा इसलिए क्योंकि रेटिना जो है ना, ये लाइट सेंसिटिव सेल्स से बना हुआ है। यानी कि उस पे अगर इन सेल्स पे अगर लाइट पड़े तो ये सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, ये लाइट को फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। और फिर यहाँ पे क्या होता है, रेटिना पे कुछ नर्व्स होती हैं, ऑप्टिक नर्व्स, जो कि इन सिग्नल्स को, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ले जाती हैं हमारे ब्रेन के पास। और हमारा ब्रेन ये कंस्ट्रक्ट कर लेता है कि ये इमेज कैसी होने वाली है, और फिर हमें बताता है कि बाहर की दुनिया कैसी दिख रही है। तो इन नर्व्स को हम बुलाते हैं ऑप्टिक नर्व्स। आओ लिख लेते हैं यहाँ पे। अब देखो, रेटिना और लेंस के बीच का जो पोर्शन है ये भरा हुआ होता है एक जेली लाइक मटेरियल से, इसे हम बुलाते हैं विट्रस ह्यूमर। विट्रस का मतलब हो गया ग्लासी। अब ये ग्लास की तरह कठोर तो नहीं, बल्कि ग्लास की तरह ट्रांसपेरेंट जरूर है, ताकि लाइट इसे पास कर सके। अब देखो, इसका फंक्शन ये होता है कि ये हमारी आई बॉल को सपोर्ट प्रोवाइड करे। अब अगर विट्रस ह्यूमर नहीं होता तो आई बॉल ये स्फेरिकल तो नहीं रह पाती, ये तो पिचक जाती ना। तो यहाँ हमारे पास हो गया एक्वस ह्यूमर, जो कि वाटरी है, और ये कॉर्निया और लेंस को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। और यहाँ पे विट्रस ह्यूमर ये जेली लाइक है, और ये हमारे आई बॉल को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अब आओ एक आखिरी चीज के बारे में बात करते हैं, इन फाइबर लाइक मटेरियल्स के बारे में जिन्होंने हमारे लेंस को पकड़ रखा है। इन्हें हम बुलाते हैं सीलरी मसल्स। अब देखो, ये सीलरी मसल्स ये हमारे लेंस के शेप को बदल सकती हैं। तो हाँ, हमारा लेंस ये एक रिजिड मटेरियल का नहीं बना हुआ है, बल्कि ये एक जेली लाइक मटेरियल का बना हुआ है। और अगर तुम इसे पिचकाओगे ना तो ये पिचक जाने वाला है, और इसकी जो कर्व्ड पोर्शन है ना, ये और ज़्यादा कर्व्ड जाने वाली है। और अगर तुम इसे खींचोगे तो ये इलोंगेट हो जाने वाला है, और इसकी कर्वेचर ये पतली हो जाने वाली है। अब तुम सोच रहे होगे, यार इसका क्या फ़ायदा है? तो देखो, हमारी आँखें अलग अलग दूरी पर रखे हुए ऑब्जेक्ट्स पर फोकस कर सकती हैं, उनकी इमेज को सेम डिस्टेंस पर बना सकती हैं। अब ऐसा करने के लिए हमारे लेंस के पावर को चेंज होना पड़ेगा, और ऐसा करने के लिए हमें अपने लेंस के कर्वेचर को चेंज करना पड़ेगा, और वही करने में मदद करती है हमारी सीलरी मसल्स। अब उसे और थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो केवल फोकस करते हैं हमारे लेंस पे। अब मान लो कि तुम किसी दूर रखी हुई ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, तो दूर रखा हुआ ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए उससे जो इनकमिंग रेस होंगी ना, इंसिडेंट रेस, ये ऑलमोस्ट पैरेलल होने वाली हैं। और क्योंकि तुम इसे क्लियरली देख पा रहे हो, इसका मतलब कि उसकी एक क्लियर इमेज, उसकी एक फोकस्ड इमेज ये लेंस बना दे रहा होगा यहाँ रेटिना के ऊपर। तो यानी कि ये लेंस इनकमिंग पैरेलल रेस को फोकस कर दे रहा है रेटिना के ऊपर, कुछ ऐसे। देखो, ये होगी रे डायग्राम। पैरेलल रेस आ रही हैं और ये लेंस उसे फोकस कर दे रहा है रेटिना के ऊपर। अब देखो, इस केस में लेंस इनकमिंग रेस को बहुत ही हल्का रिफ्रैक्ट कर रहा है, बहुत ही हल्का बेंड कर रहा है, कुछ 10 डिग्री का एंगल मान लो। यानी कि इस केस में रिक्वायर्ड पावर ऑफ द लेंस ये थोड़ी कम होने वाली है। लेकिन अब अगर ऑब्जेक्ट ये तुम्हारी आंखों के पास आ जाए कहीं यहाँ पे, तो देखो इस केस में जो रेस आ रही होंगी ना तुम्हारी आंखों पे, ये तो डाइवर्जेंट रेस होने वाली हैं यार, ये तो पैरेलल नहीं होने वाली हैं। लेकिन देखो, अगर अभी भी तुम पास रखी हुई ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पा रहे हो, इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट की भी इमेज बिल्कुल यहीं पे बन रही होगी। तो यानी कि रिफ्रैक्टेड रेस ये तो बिल्कुल ऐसे ही दिखने वाली हैं, लेकिन इस बार लेंस को रेस को, इनकमिंग रेस को ज़्यादा बेंड करना पड़ेगा, ज़्यादा मोड़ना पड़ेगा, ताकि वो यहाँ रेटिना पे फोकस्ड हो पाए। देखो, मैं यहाँ पर रे डायग्राम तुम्हें दिखाने वाला हूँ, तुम एक बार अमाउंट ऑफ बेंडिंग पे ही फोकस करना। तो यहाँ तुम देख सकते हो, जब ऑब्जेक्ट पास में आ गया तो ये इंसिडेंट रेस ये डाइवर्जेंट थी और ये ऐसे चली जाती, लेकिन हमारे लेंस ने अब इनकमिंग रेस को इतना बेंड कर दिया है, ऑलमोस्ट 45 डिग्री से बेंड कर दिया है, ताकि ये यहाँ रेटिना पे फोकस हो पाए। तो यानी कि जब ऑब्जेक्ट पास में होता है तो लेंस को ज़्यादा बेंड करने की जरूरत पड़ती है, यानी कि ज़्यादा पावर रिक्वायर्ड है लेंस की। लेकिन जब ऑब्जेक्ट दूर रखा हो तो हमें लो पावर रिक्वायर्ड होती है, लो बेंडिंग रिक्वायर्ड होती है। तो देखो कैसे अलग अलग दूरी पर रखे हुए ऑब्जेक्ट्स पर फोकस करने के लिए हमें अलग अलग पावर की लेंस की रिक्वायरमेंट होती है। अब देखो यार, हमारी आंखों में लेंस तो एक ही है, हम लेंस को तो बदल नहीं सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि लेंस के कर्वेचर को बदल देते हैं, इसे पतला और मोटा करते हैं, डिपेंडिंग ऑन किस चीज़ पे हम फोकस कर रहे हैं। अगर हम किसी दूर की चीज़ पे फोकस कर रहे होते हैं तो हमें एक कम पावर की लेंस चाहिए होती है, जो कि लाइट रेस को कम बेंड करे। तो उस केस में हमारी सिलरी मसल्स ये रिलैक्स हो जाती हैं, ये हमारे लेंस को इलोंगेट कर देती हैं, ताकि इसकी कर्वेचर ये कम हो जाए और ये लाइट रेस को कम बेंड करे, इसकी पावर कम हो जाए। लेकिन जब हम पास की चीज़ों पर फोकस कर रहे होते हैं तो उस केस में हमें एक हाई पावर के लेंस की जरूरत होती है, ताकि हम इन डाइवर्जेंट रेस को ज़्यादा बेंड कर पाएं। तो उस केस में हमारी सीलरी मसल्स ये लेंस को पिचका देती है, ताकि इसका कर्वेचर ये बड़ा हो जाए और उसके बाद ये ज़्यादा बेंड करने लगे, इसकी पावर बढ़ जाए। तो ऐसे ही सीलरी मसल हमारे आई लेंस के शेप को चेंज कर सकती है, इसके पावर को चेंज कर सकती है। तो सीलरी मसल के इसी पावर को हम बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। अब देखो, आगे कुछ वीडियोस में हम इसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं,
तो अगर ये तुम्हें समझ में नहीं भी आया हो ना तो घबराने की कोई बात नहीं है। अब वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और इसे समराइज कर लेते हैं। तो इस वीडियो में हमने आई के अलग अलग पार्ट्स और उनके फंक्शंस के बारे में पढ़ा। सबसे पहले लाइट जब हमारे आंखों पर पड़ती है तो वो टच करती है कॉर्निया को। देखो कॉर्निया ये आंख के ऊपर ये उभरा हुआ पार्ट होता है और यहीं पर लाइट रे का मैक्सिमम रिफ्रैक्शन होता है, मैक्सिमम बेंडिंग, क्योंकि यहीं पर मैक्सिमम मीडियम में चेंज आ रहा है। अब उसके बाद लाइट जाती है एक्वास्यूमर में। अब ये मोस्टली वाटर का बना हुआ होता है और उसके बाद लाइट एंटर करती है आंखों में प्यूपिल के थ्रू, ये ब्लैक वाला पोर्शन। और इस ब्लैक वाले पोर्शन के साइज को कंट्रोल करता है आयरिस। आयरिस हो गया आंखों का कलर्ड वाला पोर्शन। अब इसके बाद लाइट रेस पास करती हैं लेंस के थ्रू। देखो लेंस का काम होता है लाइट रेस को फाइन एडजस्टमेंट प्रोवाइड करना ताकि इमेज एग्जैक्टली रेटना के ऊपर ही बन जाए। अब इसमें इसकी मदद करती हैं सिलरी मसल्स जो कि इसके शेप को चेंज कर सकती हैं और इसलिए इसके पावर को भी चेंज कर सकती हैं। अब इसके बाद लाइट रेस पास करती हैं विट्रस ह्यूमर के थ्रू। ये विट्रस ह्यूमर ये आई बॉल के शेप को मेंटेन करके रखता है। अब इसके बाद लाइट रेस इमेज बना देती है हमारी रेटना के ऊपर। रेटना एक स्क्रीन की तरह काम करता है जिसपे कि इमेज जब बने तो हम उसे क्लियरली देख पाते हैं। देखो रेटना बना होता है बहुत ही लाइट सेंसिटिव सेल से जिन्हें हम कहते हैं रॉड्स एंड कोन सेल। जब लाइट इन पे पड़ती है तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं और ये लाइट को कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में और ये सिग्नल ऑप्टिकल नर्व्स के थ्रू हमारे ब्रेन तक पहुंच जाते हैं और फिर हम बाहर की दुनिया को देख पाते हैं।